नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से, जहां एनआरसी एवं सीए बिल के विरोध में केंद्र सरकार व पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए हाथों में शस्त्रों को लहराते हुए पेट्रोल बम आदि लेकर उग्र रूप धारण कर जाम लगाने, ईंट पत्थर फेंकने तथा पुलिस पर जानलेवा हमला करने, फायरिंग धारा 144 का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा डालकर अफरा तफरी का माहौल पैदा करने वाले 68 अभियुक्तों के विरुद्ध की जा चुकी है गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई। आइए डालते रामपुर संवाददाता विवेक कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। सीए के मामले में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एनआरसी सीडब्ल्यू का जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में दंगा हुआ था 21 दिसंबर 2019 में, उसमें हमारे मुकदमे दर्ज हैं थाना गंज में भी और थाना कोतवाली में भी। थाना गंज में 832/19 और कोतवाली में 655/19। इन दोनों में जो वित्त नामित थे और जो वित्त प्रकाश में आए उसमें से कुछ कॉमन नाम भी थे, उनको हटाने के बाद हमारे 174 वित्त हमने अरेस्ट करके जेल भेजे। 174 में से हमने 155 पे चार्जशीट दाखिल कर दी है और इन 155 जो चार्जशीटेड लोग हैं इनमें से हम गुंडा की कार्रवाई 68 पे कर चुके हैं, 68 पे कर चुके हैं, और जो शेष बचे हैं उनके भी जल्दी हम गुंडा की कार्रवाई करेंगे और जेल अवर कराएंगे। सीए में कुछ लोग बचे हुए हैं अभी, इनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, जो नामजद थे या जो प्रकाश में नाम आए, जो बचे हुए भी लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी अभी अरेस्टिंग हम कराएंगे जल्दी और उन पर चार्जशीट दाखिल करके गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करके उनके भी जेल अवर कराएंगे।